वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रैवल विद बकबुल। सो गाइज, आज का जो ब्लॉग होगा वो बेसिकली ये हॉस्पिटल के ऊपर ही होगा। तो ये हॉस्पिटल के बारे में आप लोगों को शायद पता है, तो आज इस हॉस्पिटल के ऊपर मैं ब्लॉग करूँगा, सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसके ऊपर आज ब्लॉग करूँगा। तो इसमें अगर कोई आता है फर्स्ट टाइम, तो उसके लिए कैसे ट्रीटमेंट होता है, कैसे क्या होता है, मैं इस ब्लॉग में पूरा का पूरा डिटेल्स आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। तो शुरू से लेकर एंड तक देखो, बहुत ही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगा आज। सो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लाइव ट्रीटमेंट करके दिखाऊंगा कैसे आप लोग बाहर से पेशेंट आने के बाद, मतलब बाहर से आने के बाद कैसे फर्स्ट एकदम शुरू से लेकर एंड तक कैसे डॉक्टर दिखाओगे, ये मैं आप लोगों का लाइव दिखाऊंगा। मैं लाइव पेशेंट के साथ आज ये मैं ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ, तो लाइव आप लोगों को दिखाऊंगा, बने रहो वीडियो के साथ। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि लाइव शायद आज तक कोई लाइव आप लोगों को नहीं दिखा रहा होगा कि कैसे तुम डॉक्टर दिखा सकते हो, कैसे क्या कर सकते हो। छोटा वीडियो होगा, आप लोग शुरू से लेकर एंड तक देखो, आप लोगों को बहुत इन्फॉर्मेशन और बहुत समझ आ जाएगा कि हॉस्पिटल में लाइव कैसे दिखाना है। तो बने रहो वीडियो के साथ। तो आज मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। सो इस हॉस्पिटल के बारे में आप लोगों को कुछ पहले बता देता हूँ। इस हॉस्पिटल मतलब एक मेडिकल कॉलेज है, और इस कॉलेज के साथ साथ ये मतलब ये मेडिकल कॉलेज के साथ साथ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट भी होता है। इसके लिए मतलब बाहर से लोग इधर आता है सेंट जॉन्स हॉस्पिटल में। तो सेंट जॉन्स हॉस्पिटल में कुछ खासियत यही है कि इसका इस हॉस्पिटल एक हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारा आप लोगों को बेस्ट बेस्ट डॉक्टर मिल जाता है। लाइक आपको अगर न्यूरो को डॉक्टर दिखाना है, नेफ्रो का, यूरो का, देन मतलब गैस्ट्रोलॉजी, जो भी डॉक्टर दिखाना है, इधर एक एक सेपरेट सेपरेट डॉक्टर मिल जाता है आप लोगों को। बहुत सारा डॉक्टर है, और ऑपरेशन भी इधर फर्स्ट होता है। और कुछ इधर बाहर से पेशेंट आने के लिए रहने के लिए भी, मतलब इधर रहने का भी एक सुविधा ही है, बहुत अच्छा अच्छा सुविधा है इधर। मतलब अगर कोई रहता है इधर, इधर ही उन लोगों को रूम मिल जाता है। तो कुछ कुछ फैसिलिटी के लिए इधर ज़्यादा पेशेंट आता है बाहर से। तो इसके लिए मैं आज सेंट जॉन्स हॉस्पिटल आपके सामने लेके आ चुका हूँ। तो सेंट जॉन्स हॉस्पिटल के बारे में आप लोगों को पूरा डिटेल्स में आज बोलूँगा। तो दोस्तों, देख सकते हो मेरा राइट साइड में जो है, ये है यूनिट वन बिल्डिंग। मतलब इस बिल्डिंग में आपको अगर बाहर से आते हो न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए, मतलब तुम अगर पहले आते हो इधर रजिस्ट्रेशन करने के लिए कि तुम्हें डॉक्टर दिखाना है, तो इसके लिए इस यूनिट पर जाके राइट साइड में आप लोगों को एक हेल्प डेस्क मिल जाएगा। तो हेल्प डेस्क में उधर जाके एक फॉर्म लेना होगा। मैं आपको फॉर्म शो कर रहा हूँ, कुछ इस टाइप का फॉर्म होगा ये। तो इस टाइप का फॉर्म लेकर उधर बोलना होगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, अगर कार्डियक प्रॉब्लम है या नेफ्रो यूरो प्रॉब्लम है। अगर वो प्रॉब्लम आप लोग उधर बोलते हो, तो प्रॉब्लम बोलने के बाद वो प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करके एक फॉर्म आपको लिख के देगा। वो फॉर्म आपको फिल करना होगा। फिल करने के बाद आपको जाना होगा। अगर उन लोग बोलता है कि तुम यूनिट वन में बिल्डिंग में रुको या यूनिट टू बिल्डिंग में जाओ, तो आपको उस हिसाब से उस सारा बिल्डिंग में जाना होगा। तो मैं अभी जाता हूँ, चलो यूनिट टू मतलब मैं लाइव आप लोगों को दिखाने वाला हूँ ये वीडियो। तो चलो यूनिट टू में मैं जाता हूँ। तो यूनिट वन आने के बाद आप लोगों को पहले काउंटर पे जाना है, कैश काउंटर पे। आपको जो डॉक्टर सिलेक्ट किया है, नेफ्रो का, यूरो का, जो भी है समथिंग, तो उस नेफ्रो में काउंटर पे जाके आप लोग अगर पहले रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, मतलब फर्स्ट आ गया हो हॉस्पिटल में, तो आप लोगों को क्या करना होगा, उधर जाके 210 शायद कुछ ऐसा पे करना होता है। कि मैं दिखा रहा था नेफ्रोलॉजी का, तो नेफ्रोलॉजी में 210 मुझे लिया। तो ये है बिल कॉफ़ी, तो आप लोग नीचे शो कर रहे देख सकते हो, ये बिल कॉपी आप लोग उधर से देगा। ये बिल कॉपी लेके आपको टोकन नंबर इधर दे देता है। तो टोकन नंबर में आपको 23, 24, 25 जो जितना फास्ट आता है उसके उस हिसाब से टोकन नंबर मिलता है। तो उसके बाद उधर जाना है, मतलब अपना डिपार्टमेंट पे जाना है। डिपार्टमेंट जाके वेट करना है डॉक्टर एक बार एक मैसे इस काउंटर में देख सकते हो वॉल में आप लोग जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे काउंट करके करके आपका जब टोकन नंबर आएगा, आप जाओगे डॉक्टर के पास। डॉक्टर के जाने के बाद आप लोग डॉक्टर देख के क्या क्या करता है, टेस्ट वगैरह, तो वो टेस्ट वगैरह करने देगा। तो वो बिल्डिंग, ये बिल्डिंग, दूसरा बिल्डिंग, मतलब रूम नंबर बोल देगा। तो आपको जो टेस्ट करने दिया है, तो टेस्ट का नंबर टेस्ट के रिसिप्ट में आप लोगों को लिख देगा, जो कौन सा नंबर रूम पे आपको जाना है, तो कौन सा नंबर रूम पे जाना है वो आपको रिसिप्ट कॉपी में लिख देगा। तो वो रिसिप्ट कॉपी आप लोगों को देख के वो रूम नंबर पर जाके अपना टेस्ट करवाना है। तो बस यही था हॉस्पिटल के ऊपर, मतलब जो जो है हॉस्पिटल में, मतलब डॉक्टर दिखाना, रिपोर्ट करना, यही था।
इसका मतलब फुल इन्फॉर्मेशन अगर आप अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा हॉस्टल मतलब रहने के लिए जगह मतलब होटल वगैरह, तो हॉस्पिटल में चलो होटल वगैरह घूम के दिखा। तो होटल में रहने के चाहिए इधर पीजी टाइप का एक, आप मेरा लेफ्ट साइड में देख सकते हो ये पीजी टाइप का एक होटल है। तो इधर आप लोग बॉयज़ और गर्ल्स मतलब अलग अलग रह सकता है। बॉयज़ ऊपर वाला फ्लोर में रहता है और गर्ल्स नीचे वाला फ्लोर में रहता है। तो बॉयज़ के लिए इधर वन बाय वन बेड मिल जाता है आप लोगों को, मतलब ऊपर नीचे दोनों एक साथ सो सकते हो। और चार्जिंग वगैरह के लिए आपको अलग से चार्ज देना पड़ता है। बाथरूम वगैरह बहुत अच्छा है, बाथरूम वगैरह देख सकते हो, बाथरूम वगैरह बहुत अच्छा है। और इधर नीचे जो रहता है, नीचे तो आप लोग देखा नहीं सकता क्योंकि मुझे नीचे का एंट्री नहीं है, तो मैं ऊपर ही दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ऊपर में कैसे रह सकते हो, नीचे भी सेम ही है। तो आप लोगों को इधर अगर आना है तो हॉस्पिटल में जो कार्ड दिया था पहले, मतलब वो रजिस्ट्रेशन वाली कार्ड, एक एटीएम कार्ड जैसा दिया था, वो एटीएम कार्ड आप लोगों को इधर शो करके एक फॉर्म देता है, फॉर्म फिल करके इधर सबमिट कर देना। कितना आदमी रहता है उस आदमी के हिसाब से पीजी में 80 करके लेता है पर बेड, मतलब एक हेड पर हेड 80 करके लेता है तो इधर रहने के लिए। और बाकी का अगर कोई फैमिली रहना चाहता है तो फैमिली के लिए मैं और एक बिल्डिंग दिखाता हूँ। तो फैमिली अगर कोई रहना चाहता है तो मेरे राइट साइड में देख सकते हो ये मेरा बिल्डिंग, तो इसमें जाना है, इसमें जाके आप लोगों को इधर भी सेम वो कार्ड दिखा के, अगर ओपीडी वाला है, अगर सर्जरी वाला है, वो आप लोगों को बोलना है तो उस हिसाब से वो कार्ड दिखा के आप लोग एंट्री कर सकते हो। सेम फॉर्म देगा, सेम सब कुछ, तो वो फॉर्म आप लोगों को लेके फिल करके उधर जमा करना है। और पर आदमी के पास में एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आधार कार्ड जेरोक्स, मतलब जो जो रहना चाहता है, अगर लाइक 5 मेंबर्स रहना चाहता है या 2 मेंबर्स रहना चाहता है, उनके हिसाब से पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और आप लोगों को आधार कार्ड चाहिए। बट एक पेशेंट के साथ 2 अटेंडर रह सकता है, मतलब ऐसा नहीं जो एक पेशेंट के साथ 5 आदमी रह जाए वो अलाउ कर लेगा, ऐसा नहीं। तो अगर एक पेशेंट के साथ 2 अटेंडर, मतलब टोटल 3 आदमी उधर अलाउ करता है। तो अगर ज़्यादा पेशेंट रहना चाहता है तो ज़्यादा वो कार्ड लगेगा, मतलब ज़्यादा पेशेंट का भी लगेगा। तो आप लोग ये पहले ध्यान से सुन लेना, क्योंकि अगर इधर आने के बाद आप लोग अगर प्रॉब्लम में पड़ जाते हो तो इसके मैं बोल रहा हूँ, एक पेशेंट के साथ 2 अटेंडर रहना चाहता है, मतलब 2 ही अटेंडर अलाउ करेगा, इस रूम लेगा और रूम का चार्ज पड़ेगा। अगर 3 आदमी रहता है तो 500 पड़ जाएगा, 3 आदमी रहते 500, उससे ज़्यादा पड़ता है तो पर हेड 200 करके पड़ता है। एक रूम आप लोग को दे देगा, उस रूम के हिसाब से आप लोगों को रहना है। और अलाउ कितना करेगा वो डिपेंड करता है रूम के ऊपर, और जो सिक्योरिटी है, वो जो होटल का इंचार्ज है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कितना आदमी अलाउ करेगा। तो यही था हॉस्टल के ऊपर, मतलब रहने वाले जो होटल के ऊपर, यही था छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन। अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पहले से अगर मालूम होता है तो अच्छा है, नहीं तो बाद में जाकर आप बहुत प्रॉब्लम फेस कर सकते हो। तो दोस्तों ये सारा इन्फॉर्मेशन देख के मतलब सुन के आप लोगों को कुछ हेल्प हुआ कि नहीं ये मुझे नीचे कमेंट करके ऑब्वियसली बोलना। और वीडियो कैसा लगा है शुरू से लेकर एंड तक देखने के बाद, आप लोगों को वीडियो कुछ हेल्पफुल हुआ है तो एक लाइक, एक कमेंट, एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, ऐसे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन वाले ब्लॉग में लेके आता रहूँगा। और बने रहो मेरे चैनल के साथ और ऐसे सपोर्ट करते रहो। आपका भाई बहुत अच्छा अच्छा वीडियो डालने वाला है और भी डालेगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, अभी के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।